हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो, और हो सके तो शेयर भी करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। क्वेश्चन 16, 12 डिफेक्टिव पेंस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो यहां पर देखिएगा, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, उनको मिक्स कर दिया गया एक्सीडेंटली विद 132 गुड वंस। सो यहां पर हम कहेंगे कि टोटल पेन्स इज इक्वल टू 12 डिफेक्टिव पेन प्लस 132 गुड वंस। सो ये टोटल पेन आ जाते हैं 144। अब एक पेन को यहाँ पर लिया गया, रैंडमली सेलेक्ट किया गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द पेन टेकन आउट इज गुड वन। सो प्रोबेबिलिटी द पेन इज गुड वन दिस इज इक्वल टू, इसके लिए देखें फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ गुड पेन्स है ये हमने देखना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके लिए आ जाएगा टोटल पेन्स। सो नंबर ऑफ गुड पेन्स दीज आर 132 डिवाइडेड बाई टोटल पेन ये 144 है। क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा 132 गुड वंस एंड 12 आर डिफेक्टिव। सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 132 अपॉन 144। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है 12 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज 11 अपॉन 12, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। सो यहाँ पर देखिएगा 20 बल्ब्स हैं और इसमें से क्वेश्चन में दिया गया है कि आउट ऑफ दीज 20 बल्ब्स 4 आर डिफेक्टिव वंस। सो यहाँ पर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव लिख लेते हैं। सो डिफेक्टिव बल्ब की जो नंबर है वो 4 दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि 20 में से 4 डिफेक्टिव हो गए, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे? 20 माइनस 4 मीन 16। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब को इस लॉट से सेलेक्ट किया जाता है 20 बल्ब में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग द डिफेक्टिव बल्ब। दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कहेंगे। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लिखेंगे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ये कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये 20 दिया गया है। सो 4 से कैंसिल करने से ये आंसर आ जाता है 1/5। पार्ट 2, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 is not defective and is not replaced. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि part 1 में जो हमने एक bulb को यहाँ पर draw किया गया था, वो पाया गया कि वो that was not defective और उसको replace भी नहीं किया। उसके बाद now one bulb is drawn at random from the rest. तो अभी देखेगा, जब एक bulb को निकाल लिया गया और उसको replace भी नहीं किया, तो यहाँ पर 20 बल्ब में से 19 बल्ब रह जाएंगे, 19 बल्ब्स, क्योंकि 20 में से एक बल्ब को निकाल लिया, तो रिमेनिंग बल्ब विल बी 19
और ये जो वल्व निकाला ये नॉट डिफेक्टिव था, तो यहाँ पर हमने नॉट डिफेक्टिव वल्व कितने थे 16। अब ये बल्ब कितने रह जाएंगे, इसमें से एक कम हो गया तो 15 रह जाएंगे। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब को अगर हम ND से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने होंगे 15 होंगे, क्योंकि 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। अब डिफेक्टिव बल्ब तो 4 ही रहेंगे, क्योंकि बल्ब जो निकाला गया वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाला गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी बल्ब is not effective, so this probability will be equal to, अब यहाँ पर number of favorable outcome क्या होगा कि जो bulb निकाला गया, number of event क्या है यहाँ पर, bulb is not effective, so यहाँ पर number of favorable outcomes के लिए हम यहाँ पर consider करेंगे number of non defective bulb, number of non-defective bulbs divided by total number of bulbs, so ये आ जाता है, देखिएगा number of non-defective bulbs कितने हैं, ये 15 बचे हुए हैं, 15 divided by total number of bulbs, these are now 19, so this will be the required probability. Question 18, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears part 1 a 2 digit number, part 2 a perfect square number, part 3 a number divisible by 5. So yahan par dekhega pehle part 1 karenge, isse pehle dekhega hum count kar lete hain, yahan par number question mein diya gaya hai 90 discs, yahan par jinko ki 1 to 90 inki marking kar di gayi hai, inko number de diya gaya hai 1 to 90. तो 1 टू 90 के लिए यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ डिस्क दिस विल बी इक्वल टू 1 टू 90, यानी अगर इसको इसकी काउंटिंग करें सो दीज आर 90। अब एक डिस्क को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, बॉक्स से निकाला गया, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिएगा फर्स्ट केस के लिए प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर, ये प्रॉबर्टी फाइंड करनी है कि जो डिस्क को ड्रॉ किया गया इट विल वियर ए 2 डिजिट नंबर। अब यहां पर हमने 90 डिस्क में से 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, ये इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स होगा, और टोटल आउटकम्स क्या होगा यहां पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 90 होगा, टोटल डिस्क 90 है। अब 90 में से 2 डिजिट वाली नंबर वाली डिस्क कितनी होंगी ये हमने देखना है। अब 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, देखिएगा कहां से शुरू होंगे, 1 से 90 के बीच 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 90। सो ये जो 2 डिजिट नंबर्स होंगे ये हम काउंट कर सकते हैं इनको, एंड ये 81 होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, दीज आर 81 divided by total number of disk, total number of outcomes भी total number of disk, these are 90, तो इसको solve करेंगे तो ये आ जाता है 9 से cancel करेंगे 9/10। second part में पूछा गया है probability that it bears a perfect square numbers, so अगर हम perfect square number देखें 1 to 90, so ये perfect square number आ जाते हैं 1, 4, 9, 16, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। और ये हमने लास्ट में स्क्वायर देखना है, यानी किसका हम कंसीडर करेंगे 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 1 टू 90 में ये नंबर आ जाते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 9 का स्क्वायर। अब इन नंबर्स को हम काउंट करेंगे, ये नंबर्स कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन 1 to 90, ये नंबर्स ऐसे हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं, दीज नंबर्स आर 9। अ प्रोबेबिलिटी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये 9 है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिस्क, और ये टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 90. सो 9 अपॉन 90, 9 से कैंसिल करेंगे ये आ जाता है 1/10. पार्ट 3 करेंगे. पार्ट 3 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाई 5. सो इसके लिए देखेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई 5 है, नंबर डिविजिबल बाई 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स. यहाँ पर हम देखेगा काउंट करेंगे कि नंबर डिविजिबल बाई 5 बिटवीन 1 to 90 कितने हैं. तो यहाँ पर ये नंबर्स हम देखेंगे, दीज नंबर्स आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, then 80, 85 and 90. So 1 से 90 के बीच में हमने इन सभी को देखना है कितने नंबर्स होंगे. सो इनको काउंट कर लेते हैं. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this will be 18 divided by total disk कितनी है यहाँ पर 90. तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाता है, और इसको 18 से भी कैंसिल कर सकते हैं, इट इज 1/5. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर पार्ट 3. क्वेश्चन 19, इसमें दिया गया है ए चाइल्ड हैज डाई हूज सिक्स फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो. तो यहाँ पर देखेगा ऐसी डाई दी गई है, उसके सिक्स फेसेस पर ए बी सी डी ई एंड ए लिखा हुआ है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए 2 टाइम्स लिखा हुआ है, B 1 time, C 1 time, D 1 time, E 1 time. The die is thrown once. Die को एक बार throw किया गया. What is the probability? Part 1 getting A. So probability getting A. So it will be equal to number of favorable outcomes means यहाँ पर क्या होंगे? Number of A's and number of A's are 2 divided by total number of outcomes. So total number of outcomes यहाँ पर कितने? 6. Total outcomes are 6. So 2 divided by 6 will be the probability of getting A. So this will be equal to 1/3. Part 2 mein pucha gaya hai probability of getting D. So probability getting D, it will be equal to number of favorable outcomes. Yani number of D kitne hai yahan par? 1 hai. Divided by total number of outcomes. These are 6. So the probability for part 2, it will be 1/6. Question 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? So, yahan par dekhega. Ek ye region diya hua hai, rectangular region. Aur ye 3/2 ka rectangular region hai. अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब डाई को थ्रो किया गया वो इनसाइड द सर्कल यहाँ पर गिरे. अब यहाँ पर सर्कल का डायमीटर देखेगा, ये 1 मीटर दिया गया है. इस सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे. सो डायमीटर इज 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं सर्कल का रेडियस विल बी 1/2 मीटर. अब एरिया, अगर इस सर्कल के एरिया को A1 हम कंसिडर करें, सो A1 विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. So it is equal to pi into 1/2 whole square, और इसे solve करके आ जाता है 1/2 का whole square 1/4 होगा, तो it is pi/4. अब अगर हम पूरे rectangular region का area अगर हम A consider करें, so A is equal to L into B, so this is 3 into 2, so A हम कह सकते हैं it is equal to 6 meter square, और A1 is pi/4 meter square. अब यहाँ पर देखिएगा हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल. सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ई, यहाँ पर इवेंट क्या है, डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल. तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा कि ये डाई
इस सर्कुलर एरिया में सर्कल में लैंड करे, तो इसका हम एरिया कंसीडर करेंगे। सो दिस विल बी ए वन डिवाइडेड बाई, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हम यानी पूरा एरिया यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यानी ए कंसीडर करेंगे। सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू ए वन, हमने फाइंड किया हुआ है, दिस इज पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई ए इज सिक्स, सो ये आ जाता है पाई अपॉन 24। थैंक यू, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। Press the bell icon to get latest updates and notifications.